हेलो गाइस, मैं सलमा आपका स्वागत करती हूँ जे एस एक्सएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर, जे एस एक्सएल के अंदर। देखिए, हम आपने मेरी हर वीडियो देखी है, मैं हमेशा न्यू वीडियो लेके आती हूँ, बट आज की जो वीडियो मुझे खुद नहीं पता है दोस्तों कि आज का टॉपिक क्या है। बट हाँ, सुना है कि सिल्क में कुछ न्यू इंक्रीज करके लेके आए शादाब जी, तो हम शादाब जी से ही पूछ लेते हैं क्या टॉपिक है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ। शादाब जी बताएंगे आप। आज जो मैं लेके आया ना साड़ी है ना ड्रेस है मैडम, आज तस्तर पे मैं आपको लहंगा दिखाने वाला हूँ। ओके, जो लेटेस्ट डिजाइन है आप देख सकते हैं, पूरा एक कली हुआ, एक कली है, इसको मैं पूरा ओपन कर देता हूँ अच्छे से, पूरा इसको पकड़िए। ओके, मैं पूरा इसको सही से ओपन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, देखिए गाइस, शादाब जी ने मुझे भी नहीं बताया इसके बारे में कि आज न्यू डिजाइन लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा कली है, ये कटिंग होके एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो ये अगर हम ऐसे भी अगर इसको मतलब ये तसर की फैब्रिक है, इसे साड़ी में भी यूज कर सकते हैं और इसमें इसमें इन्होंने क्या किया है, तसर का लहंगा, लहंगा जो कली वाला लहंगा होता है उस टाइप का ये डिजाइन बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, ये इस तरह से जो कली आती है, ये इस तरह का पैटर्न उनसे कटिंग हो जाएगा और एक दूसरे से कटिंग होके निकल के फिर एक साथ ज्वाइन हो जाएगा, वो सिलाई हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसे ऐसे अगर हम मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए एक सिंगल कली है। ओके, ये दूसरा कली अगर मैं अगर मिलाता हूँ, हाँ, इसको फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इसको यहाँ पे, हाँ, ये एक दूसरे में ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये भी बीच से कटिंग होके निकल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए ये एक दूसरे में ऐसे सट जाएगा, ये कली पूरा देखिए, पूरा कली बन जाएगा, 16 कली है ये। जो घेरा एकदम से आ जाएगा, इसमें कितना कली बनाइए, ये 16 कली है, देख सकते हैं पूरा, ये 16 कली का भी बनेगा, 8 कली का भी बन सकता है, 10 कली का भी बन सकता है। ओके, ये मतलब ये जो हमारे कस्टमर होंगे जिनकी जो डिमांड होगी या फिर जिन्हें जिस तरह से उन्हें पहनना होगा उसके अकॉर्डिंग ही कलियाँ बन जाती हैं। ये क्या होता है कि पार्ट बाई पार्ट कलियाँ है, जो भी मतलब कि आपके बुटीक वाले या फिर जिससे भी आप स्टिचिंग कराएंगे वो उनको इजी वे में उनको पता होगा कि कलियाँ उसमें ऐसे करके कटिंग निकलेंगी। तो अभी इसमें जो शादाब जी ने बनाया है 16 कलियाँ हैं। हाँ, ये 16 कली, आप डिजाइन देख सकते हैं इसका जो खूबसूरती है, पूरा देखिए, पूरा रेशम वर्क है। ओके, पूरा देखिए, हाँ, ये बात हकीकत है कि मतलब कि जो सिल्क है वो तो अपने में ही एक इतनी खूबसूरत, जो देखिए आप शाइनिंग देख सकते हैं सिल्क की, काम का खूबसूरती देखिए, प्योर तसर सिल्क, सिल्क है जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है और आप वर्क को भी देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। वेट वाला भी वजन नहीं है, पूरा एकदम सिंपल, एकदम सोबर है यार, ये बहुत लाइट वेट है। अगर हम इसको स्टिचिंग करा के मतलब जो भी हमारे बुटीक वाले होंगे उसको बनाएंगे तो ये बहुत कंफर्टेबल वाला लहंगा बनने वाला है, ज्यादा हैवी नहीं होगा, वेट है ही नहीं इसमें, 16 के लिए फिर भी आप देख सकते हैं पूरा कुछ शाइनिंग भी, हां बिल्कुल इसमें वेट भी नहीं है और इसमें आपको ब्लाउज भी मिलेगा जिसमें वर्क होगा। ओके, अब ब्लाउज में मैं बता सकता हूं आपको, वर्क में आप कुछ भी रखा सकते हैं, अगर ये लाइनिंग चाहिए हमारे कस्टमर थे जिनकी डिमांड थी कि उनको तसर पे लहंगा चाहिए, हैंडवर्क का चाहिए, तो हमने सिर्फ शादाब जी से जिक्र किया था, एक टॉपिक मतलब एक बात किया था कि अगर ऐसा हो सकता है, तो शादाब जी ने अचानक से मेरे को भी नहीं पता था कि लहंगा लेके आने वाले हैं, तो इन्होंने अचानक से जो लेके आए वो लहंगे का पैटर्न बना के रेडी करके लेके आए। तो इसमें क्या है कि हमारे जो कस्टमर की जो डिमांड थी वो 16 कली की थी, जो कि हमने डिस्कस किया था, इन्होंने 16 ही कली एक फैब्रिक में इसमें निकाल दिया है और इसको हम तसर पे हम मतलब कि हैंडवर्क साड़ी में भी कस्टमाइज करवा सकते हैं आपसे। तसर तो अपने में ही ये खूब मतलब फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल और खूबसूरत है और आप देख सकते हैं फैब्रिक बहुत अच्छी वाली है, ये प्योर तसर इसमें यूज़ की गई है, ठीक है इसकी फैब्रिक। अदरवाइज आपकी कोई क्वेरी होती है, जैसे कि अभी हमने आपको लहंगा दिखाया, आप देख सकते हैं लहंगे का ये बहुत ज़्यादा घेर वाला बनने वाला है, समझ सकते हैं कि 16 कलियाँ जब नीचे एकदम फ्लो बनेगा इसका स्कर्ट कितना खूबसूरत लगने वाला है। साथ साथ में आप इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज भी ले सकते हैं और मैचिंग का ब्लाउज भी आप इसमें करवा सकते हैं, ये हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ये कस्टमाइज किया गया है। तो अगर आपके भी कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आप भी हमारे साथ चाहते हैं कि आप साड़ी पे कुछ हैंडवर्क करवाएं या फिर लहंगा कुछ डिज़ाइन आप हमारे साथ शेयर करें बनवाना चाहें तो वो बन सकता है। सेम पैटर्न वगैरह अगर हम चीज़ अगर साड़ी में भी कस्टमाइज करवाएं वो भी आप इसी में बना सकते हैं। कस्टमर का कोई सा भी डिमांड रहेगा, अगर आप लोग का कोई सा भी रिक्वायरमेंट है, कोई सा भी डिजाइन है, वो बन जाएगा। ओके, तो इसका यही मोटिव है कि तसर साड़ी सिर्फ प्लेन या फिर क्या कहते हैं इसमें बॉर्डर या फिर इसमें प्रिंट के अलावा इसमें हैंडवर्क में भी आती हैं और आप देख सकते हैं हैंडवर्क में और वो भी लहंगे के अंदर, आप देख सकते हैं ये तसर का लहंगा है,
हैंड वर्क के साथ। मार्केट में तो उसकी बहुत कॉस्टिंग होती है, बट यहाँ पे जो आपको जे सोसल में मिलेगा ये रिजनेबल प्राइस पे इसको कस्टमाइज किया जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के थ्रू। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है लहंगे को लेके या साड़ी में कुछ भी वर्क कराना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज आपके जो भी आइडियाज़ हैं जो भी डिज़ाइन हैं हमारे साथ शेयर करें। और शेयर करने का तो बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है, हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मैंशन किया जाता है, आप व्हाट्सअप पर अपने डिज़ाइन शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ईजी वे में आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपका डिज़ाइन या आप कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं साड़ी लहंगा या फिर सूट्स तसर के अंदर तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। और वैसे भी आजकल जो मौसम है वो तो सर्दी का और साथ में शादियों का भी फेस्टिवल वो चल रहा है अभी सीज़न, तो शादियों के लिए बहुत अच्छा ही है। इसमें आपके अकॉर्डिंग इसमें वर्क हो जाएगा, अगर आप हैवी चाहते हैं तो हैवी वर्क हो जाएगा, अगर आप कम वर्क चाहते हैं तो कम वर्क हो जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कीजिए और हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो लहंगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, बाय गाइस।